सफल नहीं हो पाया और आर्थिक जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है हमारे वो भी उसका समाधान नहीं हो पाया और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में पूरा परिवर्तन आना चाहिए, सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, काम करने में परिवर्तन, अधिकार देने में परिवर्तन, सब में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री को इस विषय में धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ देश माने देश में प्रदेश है, प्रदेश माने इसमें सारी इकाई है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी के बिना, पंचायत के बिना, प्रदेश के बिना देश पूरा नहीं होता है। देश माने दिल्ली नहीं, देश माने गली है, गली का देखभाल करना ये हमारा प्रधानमंत्री का प्राथमिकता है। यू वांट टू टेक केयर ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई पहले केंद्र सरकार अपने पास 70% पैसा रखते थे, 30% प्रदेशों को देते थे। मोदी जी ने तय किया 42% प्रदेश को देंगे और 5% सारी इकाई को देंगे और 2% प्रकृति आपदाओं के लिए देंगे और 50% लगभग पैसा दिल्ली का पैसा प्रदेश में पहुंच गया। ये मुख्य उद्देश्य क्या है, जब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी तय किया डिलीवरी सिस्टम, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ अप्रोच ये होना चाहिए और उसके लिए पूरा प्रयास किया है। इसके पर दुनिया में आर्थिक मंदी है, चाइना भी थोड़ा नेगेटिव जा रहे हैं, एकमात्र देश दुनिया में है वो भारत है जहां इन्वेस्ट करने के लिए पूरा दुनिया के लोग भारत के ओर देख रहे हैं। कारण क्या है, मोदी जी, मोदी जी का माने मोदी जी का मिशन, मिशन मोदी, मिशन मोदी नरेंद्र मोदी जी नहीं, मोदी माने मेकिंग ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, एमओडीआई, मिशन विदाउट कमीशन, विदाउट रिविजन, विदाउट इंटरवेंशन, दैट इज मिशन मोदी। देश को तेजी से आगे ले जाना है तो इस संदर्भ में जो हरेक के लिए मकान, हाउसिंग फॉर ऑल, वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हरेक का सपना होता है मेरी जिंदगी में मेरा कम से कम एक ओन हाउस होना चाहिए। उसी दिशा में सरकार ने तय करके हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 2022 तक देश में सब लोगों के लिए मकान की व्यवस्था होना चाहिए, प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन आया गवर्नमेंट स्कीम से, आज हम लोग अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कड़ाई और यहाँ ये एंट्री का तीनों को मिलकर प्रॉपर्टी शो गुजरात यूनिवर्सिटी के आवरण में आज प्रॉपर्टी शो का भाई और मुख्यमंत्री जी और शेखर भाई हमने मिलकर इसका उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, क्या क्या अवेलेबल है लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसी प्लेटफॉर्म से, ऐसा एग्जीबिशन से लोगों को मालूम होगा क्या क्या सुविधा है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कैसा डेवलप कर सकते हैं, इसमें बैंकों का मदद कैसा कर सकते हैं, कैसा मिलेगा। अभी मैंने देखा बैंकों का भी सबका भी यहाँ काउंटर्स है, महत्वपूर्ण काम है। बैंकों के पास आजकल बहुत पैसा है, बहुत पहले तो पैसा बेडरूम में, बाथरूम में, बिलों के नीचे होते थे, पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया मोदी जी के कारण से। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्या साथ नोटबंदी, नोटबंदी किसे डिमोनिटाइजेशन, रिमोनिटाइजेशन क्या हुआ है, पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया। मैं हरेक जगह में कह रहा हूँ, हरेक संदर्भ में कह रहा हूँ, आज भी कहना चाहता हूँ, हाँ 15 लाख या 16 लाख जो भी पैसा है पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया, मगर बैंक में पहुंचते पहुंचते पता के साथ, पति के साथ और पिता के साथ बैंक में पहुंच गया।